रितिगांव विधानसभा के कुराली गांव के लोग खस्ता हाल सड़कों से परेशान हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 साल से सड़कें इसी तरह से खस्ता हाल है, जिसके चलते लोगों को आए दिन दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जगह जगह शिकायत करने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कई साल बीत गए लेकिन सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस समय हम खड़े हैं कोराली रोड पे। आप देख सकते हैं रोड के हालात काफी नाजुक बने हुए हैं, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, पिछले काफी समय से रोड के हालात इसी तरीके से बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोड पे आवागमन करने में, अपने गंतव्य तक पहुंचने में खासा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं राजू भाटी है, कोराली से। राजू भाई, कितनी परेशानी आती है रोड? भैया जी, बहुत ज्यादा परेशानी आती है यहाँ पे तो। भैया जी, सारा रोड टूटा पड़ा है, बल्लभगढ़ से लेके यहाँ सब, किसी रोड से निकल जाओ सारे रोड टूटे पड़े हैं। बात करी जाए इस रोड की, कितने समय से पड़ा है ऐसा? ये समय हो गया इनको जी, कम से कम 6-7 साल हो गए ये ऐसे ही पड़े हैं, ये टूटे पड़े हैं। क्या दुर्घटनाओं का भी कारण बनता है? हाँ, दुर्घटना डेली एक्सीडेंट हो जाते हैं इस पर जी। और कहीं पे इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है? कहीं शिकायत तो 2-3 जगह कर दी है हमारे सरपंच साहब ने जी, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है? हाँ जी। मतलब क्या मानते हैं, मतलब कब तक कुछ किसी ने आश्वासन दिया है इसको लेके? केसरपाल जी कह जाते हैं बनेंगे बनेंगे, अभी तक बने नहीं है। अभी तक बने नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना, लगातार ग्रामीणों को आश्वासन दिया जा रहा है कि उनका रोड जल्द बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। आए दिन रोड जो है, जो रोड टूटा हुआ है, उसकी वजह से दुर्घटनाओं का कारण बनती है। अब देखना यह होता है कि प्रशासन कब तक अपने इस रोड पे संज्ञान ले पाता है। तिगांव से हरियाणा न्यूज के लिए रजत।